मूवी का स्टार्ट रिक नामी लड़के से होता है जो कि स्कूल का अनपॉपुलर लड़का है। रिक स्कूल बस में चढ़ के अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रे से मिलता है जो कि उसका इकलौता फ्रेंड भी है। रिक बस में अपनी क्रश जिल को देखना शुरू हो जाता है जिसे वो बहुत पसंद करता है, मगर जिल लैंस के साथ रिलेशन में है जो हर वक्त रिल को बुली करता रहता है। रिक के स्कूल में बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं मगर उसे ट्रे के अलावा कोई लिफ्ट नहीं करवाता। नेक्स्ट डे ये लोग स्कूल के ट्रिप के तौर पे एनिमल रिसर्च लैब जाते हैं। डॉक्टर स्टॉर्म इन सबको लैब का विजिट करवा रहे होते हैं कि तभी रिक पे एक एनिमल अटैक कर देता है जिसे बचते हुए वो उस एनिमल को लैंस पे फेंक देता है। लैंस गुस्सा हुए उसे मारने आता है तो तभी उसे टर्मिनली इल बिजनेसमैन लू लैंडर्स रोक लेता है। लू लैंस का अंकल भी है और ये लैब उसी की प्रॉपर्टी है। लू रिक के पेरेंट्स को जानता है इसीलिए वो रिक से उनके बारे में पूछता है जिस पर उसे पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है और रिक अब अपने अंकल अल्बर्ट और आंट लुसील के साथ रहता है। लू के वहाँ से जाते ही रिक को अकेला पाके लैंस उस पे अटैक करता है और उसे एनिमल शेड के ऊपर फेंक देता है जिसे साफ करने के लिए रिक लैब में पड़ा लिक्विड यूज करता है जो कि कोई आम लिक्विड नहीं बल्कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करने वाला लिक्विड होता है। उसे यूज करते ही रिक की तरफ एनिमल्स आना शुरू हो जाते हैं और एक ड्रैगन फ्लाई आकर रिक को बाइट कर लेती है जिसका पहले तो किसी को नहीं पता चलता, मगर डॉक्टर स्टॉर्म के लैब का मेन डोर ओपन करते ही डिफरेंट किस्म के एनिमल्स आकर रिक पे चढ़ जाते हैं और वो एनिमल्स से भर जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और ट्रे उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। बुरी हालत में जब रिक घर पहुंचता है तो उसके अंकल उसे बात करने रूम में आते हैं। इससे पहले कि अल्बर्ट उसे कोई बात करता रिक बेहोश होके बेड पे गिर जाता है। सीन स्लैब में शिफ्ट होते हैं जहाँ डॉक्टर्स लू की बीमारी के लिए एक डिवाइस बना चुके होते हैं। डॉक्टर स्टॉर्म लू को अभी उस डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करने से रोकता है क्योंकि वो उसे लेके शोर नहीं होता, मगर लू अपनी बीमारी से जान छुड़वाने के लिए इतना इम्पेशेंट होता है कि वो फौरन उसे यूज करने का कहता है। डिवाइस के लू पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब लू डॉक्टर स्टॉर्म को हाथ लगाता है तो डॉक्टर स्टॉर्म की सारी एनर्जी ड्रेन कर लेता है और वो वहीं मर जाते हैं। लू समझ जाता है कि वो लोगों की एनर्जी ड्रेन करके अपनी इलनेस से बच सकता है जिस पर वो लैब में मौजूद सब लोगों की एनर्जी ड्रेन कर लेता है। यहाँ रिक को होश में आने पर पता चलता है कि वो 5 दिन से बेहोश था। रिक के स्कूल में एक साइंस फेयर होता है जहाँ गेस्ट के तौर पे स्टीफन हॉकिंग को बुलाया जाता है जो कि पैरालाइज्ड है और बात करने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, जिसे यहाँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया जाता है ताकि वो देख सकें कि ऐसी लाइफ होने के बाद भी वो कितना पीसफुल है, मगर वो तो उल्टा गलत बातें शुरू करता कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अपनी लाइफ से बहुत तंग है। वो तो रोज सुसाइड करने के बारे में सोचता है। रिक के स्कूल आने पर वो जिल को देखता लैंस को हिट कर देता है। इस बार तो वो उससे बच जाता है मगर अचानक उसके हाथ एक वॉश बेसिन के साथ स्टक हो जाते हैं जिसे खुद को बताते वो बेसिन ही उतार लेता है और वो जाके लैंस को लग जाता है जो उससे बुरी तरह हिट करता है और रिक एक आदमी से जाकर टकराता है। रिक के हाथ उस आदमी के क्लोथ से स्टक हो जाते हैं। अब यहाँ से बच के वो एक लेडी से टकराता है और उसके साथ भी स्टक हो जाता है जिसे खुद को बहुत मुश्किल से फ्री करवाता वो वहाँ से निकल जाता है, मगर इस सब में उसे अपनी स्पेशल पावर्स का पता चल जाता है जिन्हें यूज करने के लिए वो एक वॉल पे चढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ से उसे एक लेडी रोड क्रॉस करती नजर आती है जिसके पास ट्रक आ रहा होता है। रिक फौरन आगे बढ़ के उस लेडी को ट्रक से बचाता है और खुद ट्रक से लग जाता है, लेकिन रिक को इतनी सी भी इंजरी नहीं होती, उल्टा वो ट्रक बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। घर पहुंचने पर रिक अपनी इन पावर्स का ट्रे और अल्बर्ट को बताता है ये देखने के लिए कि रिक सच बोल रहा है कि नहीं। अल्बर्ट उसके स्टमक में नाइफ मारता है जो कि पूरी उल्टी हो जाती है और रिक को कुछ भी नहीं होता। रिक तो चाहता है कि किसी को भी उसकी इन पावर्स का पता ना चले, मगर ट्रे कहता है कि वो लोग इन्हें यूज करके अमीर हो सकते हैं। अल्बर्ट भी ट्रे से एग्री करता है जिस पर रिक नाराज हुए वहाँ से निकल जाता है। रिक सैड हुए अपने पास्ट में चला जाता है जब वो एक छोटा बच्चा था और अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस जा रहा था, तभी उन पे थीव्स अटैक कर देते हैं और रिक ने जब अपने पेरेंट्स को उनसे बचाने की ट्राई की थी तो उल्टा खुद ही पिस्टल से अपने पेरेंट्स पे अटैक करते हुए उन्हें मार दिया था। मरने से पहले उसके फादर ने उसकी ग्रैंड माँ
की रिंग दी थी, जिसे प्रेजेंट में आके रिक ने खुद से दूर फेंकने की ट्राई की तो उसे ही लग गई। तभी वहाँ जेल आ जाती है। जेल से बातें करते हुए जब रिक स्टील रॉड को हाथ लगाता है तो करंट लगने से गिर जाता है, जिससे ये रिवील होता है कि स्टील रिक की वीकनेस है। जेल के लैंस के साथ एक लाविश कार में वहाँ से जाने पर जब रिक बर्ड्स को उस रॉड पे बैठाता है तो वो दोनों जल के मर जाती हैं। रिक जब कंप्यूटर पे कार्स के बारे में सर्च कर रहा होता है तो तभी स्क्रीन पे एक आदमी आ जाता है, जो उससे कहता है कि उसकी पावर्स डे बाय डे बढ़ रही हैं और वो एक सुपर हीरो है जो आसमान में भी उड़ सकता है। ये सब कहते ही वो स्क्रीन गायब हो जाती है और वहाँ कार लोन का एड आ जाता है। नेक्स्ट डे रिक कार के लिए लोन लेने चला जाता है कि तभी बैंक पे रॉबर्स अटैक कर देते हैं। रिक अपनी पावर्स का सही यूज करने के बजाय सब उल्टा करता है, यहाँ तक कि वो रॉबर्स को वहाँ से भगा भी देता है। तभी उसे फायर की आवाज आती है और वो अपने अंकल के लिए परेशान बाहर जाता है, जो कि जमीन पे गिरे होते हैं। रिक उनके पास जाता है और उतनी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है और एल्बर्ट की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। सीन्स लूप पे शिफ्ट होते हैं, जो हार्ट अटैक का ड्रामा करके एक लेडी को ट्रिक करता है और उसकी एनर्जी लेकर नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो उस लेडी की बॉडी को कबर्ड में हाइड कर देता है। यहाँ एल्बर्ट हॉस्पिटल में कोमा में चला जाता है। इस सबसे अपसेट जब रिक हॉस्पिटल के बाहर आता है तो उसे वही कंप्यूटर वाला आदमी जेवियर मिलता है, जो उसे अपने साथ म्यूटेंट्स के स्कूल ले जाता है, जहाँ रिक अपनी तरह के स्पेशल पावर्स के लोगों से मिलता है, जिसमें स्टॉर्म, वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, इनविजिबल वुमन, बैरी बॉन्ड्स और मिसेस जेवियर से मिलता है, जो सब रिक को एक सुपर हीरो बनने के लिए कन्विंस करते हैं। घर आने पर रिक अपने लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, जो कि असल में एक ड्रैगन फ्लाई का होता है, क्योंकि रिक को अभी भी लगता है कि फ्लाई की बाइट से ही वो एक म्यूटेंट में चेंज हुआ है। रिक अपनी कॉस्ट्यूम में एक जगह पहुंचता है जहां वो स्टॉर्म से मिलता है। जब रिक स्टॉर्म को अपनी पावर्स बताने का कहता है तो स्टॉर्म अपनी फायर बॉडी उसे दिखाता है, जिससे एकदम वो खुद ही जलना शुरू हो जाता है। रिक उसे बचाने के चक्कर में उस पे पानी समझ के गैसोलीन ही डाल देता है, जो स्टॉर्म को और जला देती है। टिम के साथ साथ रिक अपनी पावर्स समझ के उनका सही यूज करना शुरू हो जाता है और लोगों की मदद करता फेमस हो जाता है। लोग उसे डिफरेंट सुपर हीरोज नाम देना शुरू हो जाते हैं और एक सोशल मीडिया स्टार बन जाता है। एक दिन आरग्लास एक बिल्डिंग पे अटैक कर देता है। रिक पुलिस से पहले उस तक पहुंच के उसे हिट करता दूर फेंक देता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी आरग्लास रिक पे डायमंड ग्लास फेंक के उसे मारता वहां से भाग जाता है। न्यूज में रिक देखता है कि पुलिस उसे अप्रिशिएट करने के बजाय कह रही है कि उन्हें सुपर हीरोज की नहीं बल्कि और फोर्स की जरूरत है। रात रिक जेल को रॉबर्ट से बचाता है, जिस पर थैंक यू के तौर पर जेल उसे किस करती है। अचानक पुलिस की आवाज सुन के रिक वहां से भाग निकलता है। यहां लू देखता है कि वो अपनी इलनेस से बचने के लिए बहुत सारे लोगों को मार चुका है, जिस पर वो सोचता है कि अब उसे और कुछ करना होगा, वरना वो पुलिस की नजरों में भी आ सकता है। जेल रिक की आंट के साथ कुकिंग करवा रही होती है कि बातों ही बातों में रिक की आंट अपनी पेट कैट को ही चिकन में डाल देती है। यहाँ लांस और लू रिक के घर डिनर पे आते हैं। लू रिक के रूम में जाता है, जिस पर रिक अपने रूम की रूफ से लटक के उसे बचने लग जाता है। लू पूरे रूम में उसे ढूंढ के वापस नीचे सबके पास आ जाता है। उतनी देर में रिक भी मेन डोर यूज करता वहाँ आ जाता है। डिनर टेबल पे रिक और लू दोनों एक दूसरे के हाथ पे जख्म देखते हैं। लू को रियलाइज होता है कि उसकी लास्ट फाइट तो ड्रैगन फ्लाई के साथ थी, जिस पर उसे एहसास होता है कि ड्रैगन फ्लाई और कोई नहीं बल्कि रिक ही है, जिस पर वो गुस्सा होते वहाँ से चला जाता है। सबके जाने पर रिक और जिल बातें करना शुरू हो जाते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके घर की विंडो टूटती है और आरग्लास अंदर एंटर होता है। रिक जब उसे लड़ने आगे बढ़ता है तो आरग्लास उसे रोकते हुए कहता है कि वो लड़ने नहीं बल्कि उसे वार्न करने आया है। आरग्लास कहता है कि उसने बहुत से लोगों को मारने का प्लान किया है और अगर किसी ने भी उसके रास्ते में आने की ट्राई की तो मारा जाएगा। ये सुन के रिक गुस्से में आके एक चीज फेंकते आरग्लास पे अटैक करने की ट्राई करता है। आरग्लास को तो कुछ नहीं होता, उल्टा वो वापस आकर रिक को ही लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के आरग्लास रिक की आंट को जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पर रिक को पता चलता है कि उसकी आंट की डेथ हो चुकी है। इस बुरी न्यूज के साथ रिक को एक अच्छी न्यूज भी मिलती है कि उसके अंकल कोमा से बाहर आ चुके हैं। रिक एल्बर्ट के साथ अपनी आंट का
का फ्यूनरल करता है, जिसके बाद जिल उसे चेयर अप करने आती है तो रिक उसे खुद से दूर कर देता है ये कहते हुए कि वो उससे प्यार नहीं करता है। नेक्स्ट सीन्स में रिक बुरे हाल में डिसहार्ट हुआ बैठा होता है कि ट्रे और एल्बर्ट वहाँ आ जाते हैं जो उसे वापस नॉर्मल होने का कहते हैं कि वर्ल्ड को उसकी जरूरत है। तभी न्यूज में आता है कि एक अवार्ड शो होने वाला है जिसमें बहुत से लोग आने वाले हैं। ये सुनते ही रिक को एहसास होता है कि हो ना हो आर क्लास इसी की बात कर रहा था, जिस पर वो एल्बर्ट और ट्रे के साथ फौरन वहाँ के लिए निकलता है। वहाँ पहुँच के रिक लू से आर क्लास को ढूंढने की हेल्प मांगता है, जिस पर लू बहुत सफाई से उसे किसी और के पीछे लगा के बच जाता है। रिक उस आदमी को आर क्लास समझते हुए स्टेज पे सबके सामने बहुत मारता है और वहाँ एक पैनिक मच जाता है। उसी दौरान जिल को पता चल जाता है कि आर क्लास और कोई नहीं बल्कि लू ही है। लू फौरन वहाँ ब्लास्ट करता निकल जाता है। रिक उसे फॉलो करते एम्पायर सिटी पहुँचता है जहाँ सब कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। आर क्लास अपनी मशीन के ऊपर बैठा रिक पे अटैक करता है और रूफटॉप तोड़ के उसके ऊपर फेंक देता है। जब रिक उसे निकल रहा होता है तो आर क्लास उस पे ब्लेड से अटैक करता है। रिक और ब्लेड के बीच रिक की हीरोइन जेल आ जाती है। रिक जब जेल को जख्मी हालत में अपनी बाहों में लिया होता है, इस बात का फायदा उठाते आर क्लास वहाँ से भाग निकलता है। रिक जेल को जख्मी हालत में लिए उसके पीछे जाता है। जेल को नॉर्मल करके वो दोनों देखते हैं कि आर क्लास की इमोर्टैलिटी को बस 10 मिनट बाकी है। इस बार फिर आर क्लास रिक पे अटैक करता है मगर रिक उसका वार उसी पे उलटाते हुए उसे मार देता है। विक्ट्री मिलते ही रिक को खुशी का मौका भी नहीं मिलता कि उसे जिल की आवाज आती है जो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। रिक उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है कि तभी जिल उसके हाथ में रिंग देख के पहचान लेती है कि वो रिक है। दोनों वहीं हवा में किस करते हैं, जिस पर रिक खुशी में फ्लाई करना भी सीख जाता है। रिक फ्लाई करता ऊपर आते जिल को बचा लेता है। एल्बर्ट और बाकी सब रिक को प्रेस करते हैं कि उसने वर्ल्ड को बचा लिया है, जिसके बाद रिक जिल को लिए वहाँ से चला जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।